भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और निरहुआ ने एक साथ एक ही दिन फिल्में रिलीज की और अब आपके सामने हम ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आए हैं कि किसकी फिल्म कहाँ भारी पड़ रही है। तो आपको बता दें, बिहार में अगर पवन सिंह भारी है, जी हाँ, नेपाल, बनारस, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, इन सभी जगहों पर शेरे हिंदुस्तान ने पंचम लहरा दिया है। भाई, बनारस के आनंद मंदिर थिएटर में निरहुआ की फिल्म शेरे हिंदुस्तान ने अब तक 1 लाख की कमाई कर ली है और बताया जा रहा है ये आंकड़ा अभी 2 हफ्ते तक ऐसे ही चलेगा। और अगर आंकड़ों की मान ले, अभी ये सिर्फ एक सिनेमा घर की आपको रिपोर्ट मिली है और अभी कई सिनेमा घरों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर इन सब को इंक्लूड कर दिया जाएगा, इस साल की हमारे ख्याल से सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म होगी। इसके पीछे रीजन भी है। इसके पीछे रीजन ये है कि पुलवामा अटैक को अभी भी भारतीय जनता भूल नहीं पाई है। आज भी भले ही पुलवामा अटैक को 2 महीने हो चुके हों, लेकिन इसकी यादें आज भी हर भारतीय के दिलो दिमाग पर छाई हुई है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। अब आते हैं क्रैक फाइटर की तरफ। क्रैक फाइटर ने सिर्फ एक गलती कर दी कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक को ये चाहिए था कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया रिलीज करें। शेरे हिंदुस्तान बिहार में उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है जितना अच्छा पवन की फिल्में कर रही हैं। अगर क्रैक फाइटर के निर्माता और निर्देशक ने चालाकी दिखाई होती और इसे एक साथ ऑल ओवर इंडिया 1000 प्रिंट पर रिलीज करते तो इस फिल्म का इतिहास कुछ और होता। लेकिन वो कहते हैं, गेंद जिसके पाले में विनर वही। तो आपको यहाँ ये बता दे कि गेंद इस वक्त निरहुआ के पाले में है। निरहुआ की ये फिल्म हिट होने के कारण उनकी आने वाली कई फिल्में जैसे कि गबरू आए हम बाराती बारात लेकर जैसे कई बड़ी बजट की फिल्मों को फायदा होगा। वैसे हम आपको यहाँ ये बता दें कि इस साल फिल्म गबरू का इंतजार दिनेश लाल यादव निरहुआ के फैंस कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि खुद निरहुआ ने कई इंटरव्यू में इस फिल्म को अब तक की उनके करियर की सबसे अलग हट के फिल्म बताया है। वैसे हम आपको यहाँ ये बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का ये प्लान अच्छा था कि वो अपनी फिल्म होली के दिन रिलीज करेंगे। वैसे हम आपको यहाँ ये बता दें कि इस मौके का फायदा निरहुआ ने बखूबी उठाया, क्योंकि पहले तो ये था कि खेसारी और पवन की फिल्मों में ही टक्कर होगी। जब खेसारी लाल यादव ने बड़े चालाकी से यहाँ से अपना पल्ला झाड़ लिया तो पवन सिंह और ये लड़ाई निरहुआ के बीच रह गई। कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ये बखूबी जानते थे कि इस दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म शेरे हिंदुस्तान तो रिलीज होगी ही, साथ ही पवन की क्रैक फाइटर भी रिलीज होगी। इन दोनों फिल्मों के बीच अगर वो अपनी फिल्म रिलीज करते हैं काफी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि भाई इनकी फिल्म भी काफी हद तक कम्प्लीट नहीं हुई थी, कुछ एडिटिंग पार्ट बाकी भी था। अगर वो जल्दी जल्दी में कुली नंबर 1 की एडिटिंग पार्ट को कंप्लीट भी करते तो भी इस फिल्म के साथ नाइंसाफी हो जाती। शायद कुछ ऐसा हो जाता कि कुछ ऐसे पार्ट एडिट ही अच्छी तरीके से न हो जाते, जिसकी वजह से कुली नंबर 1 के निर्माता निर्देशक ने ये फैसला लिया कि वो जल्दी जल्दी में अपनी फिल्म को रिलीज न कर होली के 10-15 दिन बाद करेंगे। अब ये मौका काफी अच्छा होगा खेसारी के लिए, क्योंकि न तो पवन की फिल्म आ रही है और न ही निरहुआ। जो होगा उनके पाले में अच्छा ही होगा, क्योंकि उनकी फिल्म वैसे भी सुपरहिट होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पवन सिंह की फिल्म जब मुंबई, गुजरात और कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में रिलीज होती है तो उसका हाल क्या होता है। क्या वो बिहार की तरह ही कामयाब हो पाएगी या फिर होगी टाइटा फिश। लेकिन यहाँ भाई अभी तक तो शेरे हिंदुस्तान का पंचम बखूबी लहरा रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।